श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। सभी संतों और श्री कृष्ण भक्तों को श्री दत्तात्रेय पावन दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको श्री दत्तात्रेय महाराज जी की कुछ विशेषताएं सुनाने जा रहे हैं। जय वंदने विघ्ने बाधानापदे जय चिंतने साधिकायोग साधे प्रसाद दयावासने का सुको तेरा नमस्कार में भिक्षु का स्थान मात्रा श्री दत्तात्रेय महाराज की। जिनके सिमरन मात्र से सिद्ध होए सभी काज सो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज। जिनके सिमरन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, काही सिद्ध हो सकते हैं, तो हम क्यों दर दर भटके। ईश्वरी ज्ञान से हमें ये पता लगता है कि प्राप्त परिस्थिति हमारे कर्मों का फल है, उसे कोई बदल नहीं सकता। परंतु प्रभु जी यदि चाहे तो उसे बदल सकते हैं। उसके लिए हमें ऐसा कोई कार्य करना होगा, स्मरण करना होगा, जिससे आपको उचित फल प्राप्त हो। संत हमें समझाते हैं जिनके स्मरण करने से कार्य सिद्ध प्राप्त होती है तथा कृपा प्राप्त होती है, ऐसे श्री दत्तात्रेय प्रभु जी को याद करो, उनको जानो और उन्हें समझो। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का चतुर्थी अवतार है। चारों युगों में विघ्न रहने वाले अवतार हैं। बाकी परमेश्वर अवतार अपने मायावोर का त्याग करते समय अपनी शिष्य मंडली को भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के अधीन करके जाते हैं। श्री जगदर स्वामी जी का निवास पैठन में था। एक दिन भगवान श्री जगदर स्वामी जी श्री दत्तात्रेय महाराज जी की महिमा भक्त लोगों को सुना रहे थे। भगवान जी कहते हैं, श्री दत्तात्रेय महाराज जी चारों युगों में विघ्न रहने वाले अवतार हैं। भगवान श्री जगदर स्वामी जी ने अपने ब्रह्म विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत ईश्वर के पांच मुख्य अवतारों में से द्वितीय पंच ईश्वर परमेश्वर के अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय जी हैं। जब तक सृष्टि है, चारों युग हैं, तब तक उनका अवतार विद्यमान है। भगवान श्री जगदर स्वामी जी की जब उत्तरापंथ जाने की प्रवृत्ति बन चुकी थी, तब उन्होंने अपने शिष्य परिवार को आचार्य नागदेव माँ दैसा आदि को भगवान श्री गोविंद प्रभु जी के अधीन किया था। तो श्री नामदेव आचार्य जी भगवान जी से पूछते हैं, जी जी, आप जो हमें श्री गोविंद प्रभु जी के अधीन करके उन्हें सौंप कर जा रहे हो, तो क्या वे केवल दान देते हैं? भगवान जी बोले, हाँ, श्री प्रभु पासोने केवल दान। आचार्य श्री नामदेव जी ने भगवान जी से फिर पूछा, जी जी, यदि श्री गोविंद प्रभु जी हमें छोड़कर चले गए तो फिर कैसे होगा? जी जी ने कहा, श्री गोविंद प्रभु जी आपको जिस अवतार के अधीन कर जाएंगे उनसे आपको केवल दान आदि मिल सकेगा। श्री गोविंद प्रभु जी ने अपने मायापुर का त्याग करते समय अपनी शिष्य मंडली को कहा, आओ मिला जा
भगवान श्री दत्तात्रेय जी के पास जाओ। अब भगवान जी के वचन सुनकर सभी भक्तजन माहौर श्री दत्तात्रेय जी के पास गए। सिंहाद्री पर्वत पर क्रिया करने वाले, लीला करने वाले भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन से अनेक जीवों का कल्याण हो चुका है, हो रहा है और भविष्य में भी होगा। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का प्रतिदिन का नियम है कि चारों युगों में आकर जीवों का कल्याण करते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही जीवों तक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। माता मदनसा के 6 पुत्र थे, जिनमें से 7वां पुत्र राजा अलग राज वैभव में मगन होने के कारण संसार का त्याग नहीं कर सका। तब माता मदनसा ने अपने माई काशीराज से कहकर राजा अलग पर आक्रमण करवाकर उसे युद्ध में पराजित करवा दिया। सेना सहित पराजित होने अधिभूति ताप युद्ध कष्ट से शारीरिक श्रम के कारण अधिदेवी तापों से दुखी था। राजपाट चले जाने के कारण, सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण वह श्री दत्तात्रेय जी की शरण में आया। उस समय भगवान श्री दत्तात्रेय जी शंबोली शंबोली शब्दों का उच्चारण करके उसके तीनों तापों का हरण किया। श्री दत्तात्रेय महाराज जी की अमृत वाणी सुनकर उसके तीनों ताप नष्ट हो गए। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का दर्शन अमोघ है, अर्थात उनका दर्शन जिस जीव को भी हो जाए उसमें भी ज्ञान प्राप्त स्वयं हो जाता है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी को ईश्वर धर्म के मूल कारण माना गया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहती हूँ और हमारे श्री दर्शनाचार्य सागर मुनि बड़े बाबा जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया। श्री दत्तात्रेय महाराज।